गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं प्रातःकालीन सभा में संगीत के सरताज, संगीत के बादशाह हरियाणवी गायकों को साधुवाद देना चाहूँ, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के गायन को पछाड़ते हुए शिखर पर पहुंचने का, समाज से शोहरत बटोरने का काम किया और बिहार से बाड़मेर तक भारतीय संस्कृति में हरियाणवी भाषा को पहचान दिलाई, हरियाणवी संगीत को पहचान दिलाई। मुझे हरियाणवी गायिका की वो बातें और गायक की वो बातें याद आ रही हैं कि राख ले उधारी फिर मेटूंगी तेरी बीमारी, वो बात हम कहें कि अब उधारी रखे बहुत दिन हो गए, अब झाल नहीं डट रही है और उस चौबारे को खोलना पड़ेगा, किवाड़ खोलने पड़ेंगे जिसमें नौजवानों का हक मारकर उच्चतम श्रेणी के बूढ़े बैठे हैं। बूढ़ों को सम्मान देना हमने सुना था, पर ऐसे बूढ़ों को नहीं जो जवानों के चौबारे में चढ़ गए, उनको नीचे उतारा जाए। और बूढ़े भी उस श्रेणी के जो अंतिम पायदान पर जीवन के बैठे हैं, उन्हें भारतीय लोकतंत्र में पद प्राप्ति की दौड़ को लेकर टिप्पणी कर रहा हूँ। 18 से 60 वर्ष आए को लोगों को युवा शक्ति के रूप में जाना जाता है, कार्य शक्ति के रूप में जाना जाता है, कार्यशील मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। पूरा हुआ भगत सिंह जी ने कहा था, देश विदेशी वजह से गुलाम नहीं है, देश युवा शक्ति के सो जाने से गुलाम। और मैं फांसी के फंदे पर इसलिए खुशी से चढ़ रहा हूं कि इसी युवा जग जाएगा और मेरा देश आजाद हो जाएगा, और वैसा हुआ भी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गए। ध्यान सरस्वती जी मानते थे कि समाज के रूढ़ियों की जकड़न तोड़ने का दम और जिम्मा युवा शक्ति के, उनमें साहस भी है और उन पर ये भार भी है, कर्तव्य भी, कि वो समाज की बुरी बातों को ध्वस्त कर दें। आज वही बात मैं बता रहा हूँ कि इस गायन के माध्यम से कि इन लोगों को कहाँ बुजुर्गों का सम्मान तो हमने सुना था, परंतु ऐसा कभी नहीं सुना कि उनकी जो बैठने की जगह कहाँ है और कहाँ जाकर बैठ गए। वो उन जवानों की जगह प्रमोदी स्थानों को उन्होंने ग्रहण कर लिया और अपनी सम्मानित जो स्थान बैठक थी उसको छोड़ने का प्रयास किया। मैंने एक देसी गायन मुहावरे के माध्यम से बताया है कि वो लोग बाहर आए, बुरी संस्कृति भी गई नहीं है, उसके आदमी चले गए परंतु उसके अंश भी बचे हुए हैं, जिनको न्याय की बात नहीं आती, स्वार्थी और लोभी कभी न्याय और तर्क की बात नहीं करता, उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए होता है। उसीलिए आज मैं इन गायकों से कहूँगा, इन भाइयों से प्रार्थना करूँगा, इनको साधुवाद दूंगा कि इन देश के बूढ़ों को वहाँ से उतारने के लिए हमारा साथ दें, आह्वान करें और इस युवा शक्ति के चेहरे की जो चमक फीकी पड़ सकती है
इनका उपयोग न करने से, इनको अवसर न देने से, इनको अवसर प्राप्ति में सहायक बने और बूढ़ों को विश्राम और सम्मान देने के लिए उनको चौबारे से नीचे उतारें। बहुत बुरी कल्चर हो चली यहाँ तक कि 60 वर्ष की आयु में बहुत लंबे समय तक पद के दम पर शोहरत और मद प्राप्त करने वालों को घर नहीं जाने दिया जाता, जगह जगह नियुक्त करने की परंपरा चला रखी है और युवा सिर्फ अपने देखकर सोचकर और अपने आप को झिझकोर कर रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय युवा जगो। और मैं हरियाणवी गायक को सिखाऊंगा कि उनकी आवाज़ ऊंची है, खड़ी हिंदी के गायक हैं, उनकी भाषा ज़्यादा सुनी जाती है और भारत के सभी प्रदेशों में आजकल उस गायन को सराहा जा रहा है, उनके संगीत को सराहा जा रहा है। उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं और भारतीय युवाओं के लिए उज्ज्वलता के लिए कार्य करें। धन्यवाद।